पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम भक्तों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रहता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर विश्व प्रसिद्ध 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ तिथि का ऐलान हो चुका है। हर साल बर्फबारी की वजह से भाई दूज के दिन से केदारनाथ धाम के कपाट साल में 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को शुक्रवार सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति की 5 मई को पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा होगी, जो कि विभिन्न पहाड़ों से होने के बाद 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। महाशिवरात्रि पर पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में धार्मिक समारोह का आयोजन होगा और कपाट खोल दिए जाएंगे। बता दें, भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया 6 मई से शुरू हो जाएगी। 6 मई को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से गुप्तेश काशी बाबा केदार का जल विग्रह पहुंच जाएगा। 7 मई को रामपुर पहुंचने के बाद 8 मई को गौरी कुंड और 9 मई को केदारनाथ धाम में विराजमान होगा। 10 मई सुबह 7 बजे से बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर के खोलने का मुहूर्त चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा और यमुना जयंती के दिन तय होंगे। वहीं आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर तिथि का औपचारिक घोषणा होने के बाद अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बाबा के कपाट खुलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया और फिर उन्होंने यहीं पर अपने पितरों का तर्पण भी किया, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पांडवों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था वो भाई दूज का दिन था, इसलिए तब से अभी तक भाई दूज के दिन से ही केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान होता है, तो वहीं बाबा केदार की डोली शीतकालीन गीतेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर से उमीमठ 6 मई को रवाना होगी। केदारनाथ मंदिर 3 नवंबर 2024 को फिर बंद हो जाएगा। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।